नमस्कार दोस्तों, बरवड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकदम है। आज मैं सिद्ध साहित्य के बारे में अपना टॉपिक चल रहा है उसको आगे लेते हुए बता रहा हूँ। सिद्ध साहित्य में सरप्पा का प्रसिद्ध दोहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले सरप्पा का जो परिचय है हमने पढ़ लिया, और साकरकांड के अनुसार उनका जो समय है 769 ईस्वी बताया गया, और उनके बारे में विद्वानों के जो मत है उनको भी हमने पढ़ लिया है। सरप्पा के बारे में पूरी जानकारी हमने पढ़ ली है और सिद्धों की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज मैं सरप्पा का एक प्रसिद्ध दोहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, और उसके बाद में लुइपा को लेने की कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सिद्धों में जो प्रमुख रहे हैं संत उनके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, सरप्पा का प्रसिद्ध दोहा है, जहां मन पवे न संचरई, जहां मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवेश, तेही वट चित विषाम करो सरल कह उवेश। यह सरप्पा का खुद का दोहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है और पूछा जाता है इसे किसका संबंध है या इसके रचयिता कौन है। तो सरप्पा होगा, जहां मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवेश, तेरी वट चित विश्राम करूं सरल कहे उवेश। तो इस दोहे को ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट दोहा है जो कई बार परीक्षा में आता है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, उसमें कई बार ये दोहा आ चुका है। तो आप भी इस दोहे को अपने नजर में रखिए, यह दोहा सरप्पा से संबंधित है। फिर आगे बात करूं, सरप्पा के बाद उनके शिष्य सबरपा का स्थान आता है, और सबरपा है वो सरप्पा के प्रमुख शिष्य के रूप में माने जाते हैं, जिनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध है, एक तो चर्यापद है और एक महामुद्रा वज्र गीति है, दो रचना है। सरप्पा की रचना दुआ कोश है जो हमने पहले पढ़ा है, जो आप प्ले लिस्ट में जाइए और सिद्धों के जो वीडियो है उसमें देखिए, सरप्पा के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है, जिसमें सरप्पा का जो प्रसिद्ध रचना है सरप्पा की वो दोहा कोश है, और सबरपा जो इनका प्रमुख शिष्य है उनकी रचना चर्यापद है। चर्या गीत लिखने वाले इनके गुरु सरप्पा है, और चर्यापद लिखने वाले सबरपा है जो सरप्पा के शिष्य है। दूसरी रचना महामुद्रा वज्र गीति है, दो रचना, ये दोनों रचना सबरपा की है और सबरपा इसका सरप्पा का प्रमुख शिष्य है। दोस्तों आज इतना ही, कल लुइपा के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं आपका अतिया बन रहूंगा। नमस्कार।